हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल थपला एंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है दुबई से रिलेटेड है कि दुबई में कैसा काम होता है, कैसे लोग हैं, कैसा काम करने में कैसा लगता है यहाँ पे, और आपको सारी चीज़ मिलने वाली इस यूट्यूब चैनल में मेरे इस वीडियो पर। मज़ा आया तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक जरूर कर ले, और अपने दोस्तों को शेयर कैसे कर ले जो। और आपको अगर जॉब्स रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी जाननी हो, और कोई भी अगर हेल्प चाहिए मेरी, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। और मेरा आप ये नंबर लिख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। आपको जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नंबर मिल जाएगा 9548493706। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9548493706 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एनी क्वेरी कुछ जो भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं माशाल्लाह आपकी हेल्प जरूर करूँगा ऊपर वाले की दया से। तो दोस्तों, दुबई में काम करना इतना मुश्किल नहीं है। दुबई में काम, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, नौकरी पाना इतना मुश्किल नहीं है। और दुबई आने के लिए कोई आपको इतनी बड़ी जंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको यहाँ के लोग इतने मतलब इतने अच्छे हैं, अगर आपको काम नहीं भी आता होगा तो आपके जो यहाँ पे लोकल गाय हैं, इंडिया वाले हैं, जो भी आपके हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, मगर जो अच्छे यहाँ पर अरबी लोग हैं, ठीक है, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। आपको काम, आपको सपोज मान लो इंग्लिश नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो आपको इशारे इशारे समझाएंगे, मगर आपको कभी आपकी कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी नहीं मैनेजर को किसको कलर को काम नहीं आता है, आपके हमेशा अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से वो। इनफैक्ट मैं जब आया था पहले दिन, मुझे बड़ी एजिटेशन हो रही थी, यार मैं कैसे करूँगा ये सब, मैं कैसे फ़ोन करूँगा। अरबी लोग ये इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, किसी से अच्छी होती, मगर इंग्लिश में बोलते हैं, बट उनकी जो वॉइस है वो क्लियर प्रॉपर नहीं आ पाती है। मगर आप बेफिक्र रहें, उनके साथ काम करने में इतना मज़ा आता है, इतने हेल्पफुल पर्सन होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतने हंसमुख होते हैं कि आप सो नहीं सकते, ठीक है। और इतनी बड़ी जंग नहीं है, बहुत अच्छा लगता है काम करके। आपको यहाँ पर टाइम का पता नहीं चलेगा कि आप कैसे यहाँ पर टाइम आपका निकल गया, तो इतनी बड़े वो नहीं है, आप कर सकते हैं काम, ठीक है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, यार मैंने ये करने, मैंने यहाँ पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाएं, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सी, आप पैसे वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मगर पैसे वेस्ट करने के लिए आप कुछ बचा नहीं पाएंगे। तो पूरी मेहनत से यहाँ पर पैसे कमाएं, अपना यहाँ पर पैसे कमाने के अपने मुल्क जाएं, अपने देश जाएं, वहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने के बाद आप अपना खुद का रोज़गार कर सकते हैं, दो आदमी को जॉब दे सकते हैं। बट ये है कि यहाँ पर काम करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं बात है। तो मेरे पास भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी प्रशांत, मैं उसमें वैकेंसियाँ डालता रहता हूँ, ठीक है। आप मुझे पूछ सकते हैं एनी टाइम, एनी सिचुएशंस में आपका रिप्लाई करने को तैयार हूँ, रिप्लाई ना आए तो तब बोलना। तो और कुछ भी पूछना हो, जैसे कि काम करने हम आएंगे, और मैं ये करता हूँ, ये बोलता हूँ कि अगर विजिट वीज़ा में आने की सोच रहे हैं तो विजिट वीज़ा में भी आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप विजिट वीज़ा में आइए। विजिट वीज़ा के आने के बाद मगर आपका ये अपना रिस्क होगा कि विजिट वीज़ा में आपको नौकरी मिलेगी, ये आपके ऐसे भी नहीं बोलता कि नहीं मिलेगी नौकरी, मिलती है बहुतों को, बहुत सारे विजिट वीज़ा में आते हैं, मगर ये है कि आपको अपने तन मन और धन दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको जैसे आप लगा लो इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में नौकरी ढूंढने जाते हैं, तो खाली आपको इंडिया में जॉब ढूंढने के लिए आपको खाली इंडिया के लोग मिलते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब आपके हर एक देश के, हर एक दुनिया के कोने कोने से बंदा आता है। अगर आपको यहाँ पे 400 वैकेंसी इंडिया में 4000 होती है तो यहाँ समझ लो 4 लाख लोग आते हैं, उनमें से आपकी किस्मत है, आपका लक है, आप कितने अच्छे से अपने आपको दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहाँ नौकरी मिल जाती है, अगर अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू इंडिया, क्योंकि इंडिया से अगर वो लेकर आएगा तो इंडिया का, क्योंकि उस पर आने का पैसे खर्च होगा तो कम सैलरी पे लेगा। अगर आप यहाँ से आप डायरेक्ट वो उठाएगा तो अच्छी सैलरी पे उठाएगा बंदा जो एचआर होगा, कि उसका खर्चा आपको लेने में कम आएगा। मिल सकती है जॉब, मगर ये कि आपका अपना रिस्क होगा, आपको अपना बेड स्पेस लेना पड़ेगा, रहने के लिए लेना पड़ेगा, खाने के लिए लेना पड़ेगा। तो कम से कम मेरा मानना तो ये आप 3 महीने के विजिट वीज़ा में आइएगा, क्योंकि 1 महीने का विजिट वीज़ा में आने का आपका रिस्क हो सकता है। तीन क्योंकि 1 महीने का विजिट वीज़ा में आएंगे, फिर यहाँ पर रिन्यूअल कराएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए 3 महीने में आएगा। 3 महीने का जो विजिट वीज़ा खर्चा है वो कम होएगा, ठीक है। अगर विजिट वीज़ा निकालना तो मुझे बता देना, विजिट वीज़ा भी मैं निकाल दूंगा, ठीक है। अगर आप वैसे 3 महीने का ही आए, क्योंकि 1 महीने का आने से क्या आपको कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ऐसे हैं कि अरे नौकरी ऐसी नहीं कि आपने मैं गया दिन में, गया शाम को मैं अपने लेट गया, आपको खाली रात को अपने कमरे में सोने आना है, बाकी आपको कहीं कहीं जाओ, अपने जॉब ढूंढनी है, जॉब सर्च करनी है, और आशा करता हूँ आपको जरूर जरूर जॉब जरूर मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे मेट्रो कर सकते हैं, मेट्रो का एक बार कार्ड रिचार्ज करा के मेट्रो यूज़ करें, क्योंकि टैक्सी का जो किराया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 30-40 दिरहम, तो मेट्रो का होगा 5-10 दिरहम में हो जाएगा आपका कार्ड बनेगा। तो आप बस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बस में भी कम लगता है, टैक्सी अफोर्ड करेंगे तो टैक्सी आपका ज़्यादा पैसा लगेगा और आपको आपको इतना खर्चा होना पड़ेगा। तो मैं घर से अपना पूरा प्रॉपर सीवी वगैरह बहुत सारी फ़ोटो कॉपी करके आए, फ़ोटोज़ कॉपी करने के बाद आप कई सारे मतलब 20-25 फ़ोटो कॉपी करके आए अपने रिज्यूम की, क्योंकि आप जीरोक्स कराने का आपको ये भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको इजीली हो जाएगा। और उसी डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम बनाए जो आपका स्पेशलाइजेशन है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे किसी और चीज़ में आ रहे हो, ठीक है, किसी और चीज़ की वैकेंसी है वहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट करो, ये अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपना बहुत प्रिपेयर हो गए हैं, अच्छे से हो गए हैं, और आपको जॉब जरूर मिलेगी, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो मेहनत करता हो उसको सफलता ना मिलती हो, और ज़िंदगी एक जंग है और हम उसके सैनिक हैं, हमेशा अपने हथियार अपने पास रखें, हाँ, क्योंकि कभी भी छोड़ने का मौका मिल सकता है। हथियार माने कि अपनी आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज, आपका प्रेजेंटेशंस, आपका इंटरव्यू, आपका बोलने का तरीका, ठीक है। आपको इंग्लिश अगर लिटिल बिट भी आती है कोई इशू नहीं है, आपको बस प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आपको, आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करना आते हो, आपकी स्मार्टनेस, सुबह बन ठन के जाइएगा, अपना प्रोफेशनल ड्रेस में जाइए, अपना टाई वाई, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल टी शर्ट, टाई वाई लगा के, वॉच पहन के, दाढ़ी वाड़ी काट के, बाल सेटअप करके, तो अपना मुँह हाथ फेस वॉश, अपने डायोड्रेंट लगा के, अपना सेंट वेंट लगा के, सब बन ठन के रहें, मुंह में हर चीज़ अपनी अपना लुक बना के जाए। बेसिकली आपको देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना ही होगा जैसे कि, तो आशा करता हूँ आपको जॉब जरूर मिलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हेल्प चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने, और यूट्यूब में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको आशा करता हूँ जॉब जरूर मिलेगी। एनी सिचुएशन आप मुझे कभी मैसेज कर सकते हैं, आपका प्रशांत अप्रैल आपका हमेशा आपके साथ है, और मेरा यूट्यूब चैनल आपको हर टाइम मदद करता रहेगा। और जॉब अगर नहीं भी मिलती है तो कोई इशू नहीं, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा, और शायद मैं आपको जॉब दिला भी दूँ, ये मैं बोलता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।